विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर नीलकंठ धाम पोईचा मा विश्वना सौथी लांबा 1008 फूट नो फूलो नो हार राजस्थान जनमंचना प्रमुख कैलाश सोनीना नेतृत्व मा मंदिरना सौथी ऊंचा गुंबज ने चढ़ावामा आव्यो। आश्रमना स्वामी संतो भक्तो जनप्रतिनिधिओ विविध समाजना अग्रणीओनी हाजरी मा फूलोनी विशाळ माळा गुंबज पर अर्पण करवामा आवी। वडोदराना प्रख्यात फूलना 50 कुशल फूल कारीगरों द्वारा आ खास फूल नो हार 400 किलो ताजा फूलों थी बनावामा आव्यो हतो। 400 किलो थी वधु वजनना सफेद पीड़ा अने केसरी गलगोटाना फूल साथे आसोपालवना लीला तोरण साथे तिरंगाना रंगे रंगाई 1008 फूटनी फूलोनी माळा मंदिरना गुंबज पर फूलमाळा अर्पण करी नवो विश्व कीर्तिमान स्थापियो छे। अयोध्यामां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थया बाद जे श्रद्धाळुओ छे अलग अलग रीते पोतानी भक्ति करता होय छे ने एमनी एक अलग ज छे भक्ति लोको करता छे। आपणी साथे एक राजस्थानना भक्त छे एमने 1008 फूटनी माळा जे अर्पण करी छे शुं कहेशो? आज हमने 1008 फीट का तिरंगा पुष्प का हार जो भगवान स्वामीनारायण मंदिर है वहाँ जो नीलकंठ धाम है पोईचा में वहाँ हमने गुंबज पर शिखर पर पहनाने का सौभाग्य मिला है। वहाँ आज माला अर्पण की है और इसका जो उद्देश्य था प्रभु श्री राम जो 500 वर्षों का जो लंबा और इतना अकल्पनीय इतिहास था हमारा 500 वर्षों से हम जो प्रतीक्षा कर रहे थे क्षण क्षण कब प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होगी वैसा क्षण आया है। और मेरा सौभाग्य कि मैं उस काल में ही हूँ जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसी को लेकर आज उत्सव मनाते हुए भगवान स्वामीनारायण का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो नीलकंठ धाम में पोईचा में है वहाँ पर आज हमने 1008 फीट लंबा पुष्प का हार जो तिरंगा हार है जो क्योंकि 26 जनवरी भी हमारे कल ही थी और आज उसी के निमित्त हमने आज एक तिरंगा हार बनाया है उस हार को अर्पण करने का हमारे को सौभाग्य मिला है। खासतौर पर ये जो फूलों का जो उपयोग किया गया है कितने केजी फूल है और कौन से फूल है इसमें उपयोग किया गया है? इसमें जो है तिरंगा फूल यानी कि तीन कलर के फूलों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें अशोक के पत्ते भी हैं पत्ते भी हो गए और फूल जो है गेंदे के फूल भी हो गए हैं और एक जैस्मिन का फूल आता सफ़ेद वो भी हो गया है। पीले कलर के फूल हैं नारंगी फूल हैं सफ़ेद हैं और अशोक के पत्ते हैं ऐसा कर और इसका जो लगभग वजन आया है 400 किलो वजन का इस्तेमाल किया गया है। और मुझे कहते ही वे बड़ा गर्व हो रहा है 111 फीट का पुष्प का हार का विश्व रिकॉर्ड गुजरात में ही बना था पोंगल में और 111 फीट का जो माला बना था उसका रिकॉर्ड आज हमने तोड़ते हुए इतना लंबा हमने रिकॉर्ड बनाया है कि 1008 फीट का भूतों ने भविष्यति होने जा रहा है प्रभु के चरणों में। तो आज 1008 फीट का पुष्प का हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने कायम करने जा रहे हैं। खासतौर पे कितने केजी इसमें जो फूल है और कितना टाइम लगा आपको ये हार बनाने के और कितने लोगों का इसमें उपयोग किया गया जी? इसमें जो फूलों का इस्तेमाल किया गया है 400 किलो फूलों का इस्तेमाल किया गया है। ये ताज़ा फूल जो हमने चुन चुन के लाए हैं शुद्ध ताज़ा फूलों का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 50 से अधिक व्यक्तियों की जो टीम है उस टीम का इस्तेमाल कर हमने लगभग 24 घंटे से अधिक इस माला को बनाने में लगे हैं। कल रात 12 बजे तक जुटे हुए थे और सुबह 5 बजे तक भी हम इस माला को बनाने में जुटे हुए थे। 1008 फुट लांबो हार यहाँ मंदिरे अर्पण करो छे ने हमने जे एक श्रद्धाना भाव रूपी ने जे अयोध्या में राम मंदिर बन्यु छे त्यारे एक मंदिर पर उत्सव उजवाना भाव रूपे हमने आ फूल नो हार भगवान ने अर्पण करो छे। नरेंद्र पेपरवाला गुजरात तक नर्मदा।